अपने लेक्चर्स डायरेक्टली भी आप ले सकते हो निशान सर से, जिनके अगर बहुत सारे मिस हो गए थे, यू कैन कॉन्टैक्ट कनेक्ट विद निशान सर, एंड निशान सर आपके साथ डायरेक्टली लिंक शेयर कर देंगे, सो यू विल हैव द कंटेंट डायरेक्टली, ठीक है? तो वो चीज आप देख सकते हो। चलिए, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने रूट्स की स्टोरी सुनी थी, रूट्स के बारे में देखा था हमने कि रूट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, एडिशनल रोल क्या कर सकते हैं। तो एडिशनल रोल वाली जो कहानी थी उसको हम एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। सो एडिशनल रोल की अगर हम बात करें तो मतलब हम बात करें यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की, तो फूड स्टोरेज का एक काम हो जाता है, फूड वहां पे लोग स्टोर करके रख लेते हैं, लाइक स्वीट पोटैटो, कैरेट, टर्निप, हमने एग्जाम्पल लिखे थे। देन आपके कुछ रूट्स होते हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपके प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स जब भी आपके सामने ये टर्म आ जाए आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे आपको बेनियन ट्री याद रखना है। बेनियन ट्री के ब्रांचेस में से आपके यहाँ पे रूट्स बनते हैं और वो रूट्स आपके जाके लगते हैं सॉइल के अंदर, दे गो एंड अटैच देमसेल्फ टू द सॉइल, और ये एक आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंकरेज के साथ साथ। सो दैट इज योर प्रॉप रूट्स। फिर हमने बात किया था हमारे स्टिल्ट रूट की, स्टिल्ट रूट भी यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये आपको लेके देखने के लिए आपके इन द रूट्स इन द मेज एंड द शुगर केन, यहाँ पे आपके जो रूट्स निकल रहे निकल रहे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस में से आपके यहाँ पे रूट्स निकलेंगे एंड यहाँ पे एग्जाम्पल आपके बन जाते हैं शुगर केन एंड मेज ऑफ योर स्टिल्ट रूट। फिर हमने देखी थी हमारी कहानी ऑफ योर निमेटोफोर्स। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जो निमेटोफोर्स आपके यहाँ पे रहते हैं उनका बेसिकली यहाँ पे काम रहता है कि आपके सॉइल में से बाहर आएंगे और ऑक्सीजन को लेंगे आपके एनवायरनमेंट में से। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि निमेटोफोर्स मुझे कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं, देन आई विल गेट टू सी देम इन द सलाइन कंडीशंस, या मुझे कोस्टल एरिया में ये दिख जाएंगे या फिर जहां पे भी मुझे सलाइन कंडीशंस दिखती है, सॉल्ट लेक अगर मुझे दिखता है तो वहां पे ऐसे ट्रीज आपको ग्रो करते हुए मिलेंगे जिनके अंदर आपको निमेटोफोर्स नाम के रूट्स मिलेंगे। याद रखिएगा, जनरली रूट्स आपका जमीन के नीचे जाता है, इट इज वेरी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे आपके रूट्स बाहर निकल रहे सॉइल में से एंड दे आर गेटिंग ऑन टू द सर्फेस ताकि वो ऑक्सीजन को ले सके। राइजोफोरा आपका यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बन जाएगा। देन फंक्शंस ऑफ फ्रूट हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, सो वी हैव सीन ऑल द रोल्स ओवर हियर, और हम चालू करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर स्टेम। अब जब भी मैं स्टेम की बात करता हूँ तो याद रखिए स्टेम इज अ पार्ट ऑफ माई शूट सिस्टम, बेसिकली स्टेम मेरा बनता है पार्ट ऑफ योर शूट सिस्टम। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये समझे, अगर ये मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के अंदर यू विल हैव द रेडिकल पार्ट एंड यू विल हैव द प्लूम्यूल पार्ट, ठीक है? सो यू विल हैव द जो ऊपर वाला आपका यहाँ पे पार्ट रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा प्लूम्यूल, सो अपर पार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर प्लूम्यूल। सो अगर ये आपका प्लूम्यूल है अपर वाला पार्ट यहाँ पे, तो प्लीज याद रखिएगा कि यहाँ से आपका पूरा शूट सिस्टम बनाया जाएगा। सो प्लूम्यूल में से ही आपका पूरा के पूरा यहाँ से आपका पूरा शूट सिस्टम बनाया जाता है। So from here only you will get to see the shoot system will form. याद रखिएगा कि आपका ये जो हमने बनाया ये एम्ब्रियो है, आप सोचेंगे कि सर ये आड़ा धड़ा हमने क्या बना लिया, अमीबा नहीं, हमारा एम्ब्रियो है यहाँ पे। और याद रखना that your shoot system will form from this particular part. और shoot में system में आपके यहाँ पे stem आएगा, और याद रखना stem के अंदर आपको काफी चीजें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। स्टेम के ऊपर ही आपके दिखेंगे आपको यहाँ पे लीव्स, यू विल गेट टू हैव द लीव्स ऑन द स्टेम। इसी एरिया के अंदर आपको मिलेंगे आपके फ्रूट्स, स्टेम के अंदर ही आपको आपके फ्रूट्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। यू विल ऑल्सो गेट टू सी योर समथिंग लाइक अ फ्लावर, सो फ्लावर फ्रूट स्टेम, हाँ जी फ्लावर फ्रूट लीव्स, आपको सब कुछ आपको स्टेम पे देखने के लिए आपको मिल जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए, इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, ये आपका असेंडिंग पार्ट आपके एक्सिस का, और यहाँ से आपका डेवलप करता है कहाँ से, फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। ये हमने बात की थी, हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसके प्लूम्यूल में से ही यहाँ पे डेवलप करेगा। इट बेयर्स ब्रांचेज लीव्स फ्लावर फ्रूट बर्ड टर्माइनल और एक्सिलरी नोड्स एंड इंटरनोड, तो सब कुछ इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एवरीथिंग विल बी सीन ओवर हियर, लीव्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, नोड्स हो गए, सब कुछ आपको स्टेम पे देखने के लिए मिल जाता है। चलिए,
अभी आपके सामने यहाँ पे एक स्टेम बना के हमने रखा हुआ है। अब जब आप इस स्टेम को आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो पॉइंट है जहां पे आपका लीफ निकला हुआ है, दैट इज अ नोड। ये जो पॉइंट है जहां से आपका लीफ निकला हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ नोड। इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ नोड, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक नोड है, यहाँ पे भी आपको एक नोड दिख रहा है जहां से आपका लीफ निकला हुआ है। अब इन दोनों के बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रही है, इन दोनों के बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रही है, दैट कैन बी कॉल्ड एज माय इंटर नोड। ये जो दोनों के बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिखती है, इस स्पेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंटर नोड, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर इंटर नोड, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना, ये बात यहाँ पे याद रखना कि आपके यहाँ पे जो बीच में आपको दो नोड्स के बीच में जो आपको स्पेस दिखती है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंटर नोड। और नोड वो जगह है जहां से आपका नया लीफ बनाया जाएगा, ये वो जगह आपके यहाँ से नया लीफ आप यहाँ पे बनाते हुए आप देखोगे। अब अगर आपका प्लांट यंग हो, अगर आपका समझो आप गमले में पौधा उगा रहे हो, तो जब आपका प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो याद रखना इनिशियली जो स्टेम का कलर होता है वो ग्रीन होता है। इनिशियली स्टेम का कलर जो रहेगा वो ग्रीन रहेगा। जैसे लेकिन आपका प्लांट बढ़ेगा, जैसे उसका साइज बढ़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, यू विल फाइंड उसका कलर होगा ब्राउन। द स्टेम विल टर्न ब्राउन और वो काफी वूडी हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली यू कैन हैव अ ग्रीन स्टेम, बट टाइम के साथ साथ विल गेट टू सी दैट द स्टेम विल हैव अ डिफरेंट कलर एंड इट विल बिकम ब्राउन इन कलर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक और चीज याद रखना, एक तो ये चीज हो गई कि आपका कलर कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, लाइक कलर विल चेंज एज द प्लांट ग्रोज इन साइज। एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जब आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, समझो आपका प्लांट अभी भी जर्मिनेट किया, वो ग्रो कर रहा है, तो उसका सिर्फ लेंथ बढ़ेगा इनिशियली। इनिशियल डेज के अंदर सिर्फ उसका आपको लेंथ बढ़ते हुए दिखेगा। जब वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ लेंथ बना लेगा, जब वो एक अच्छा खासा लेंथ बना लेगा, उसके बाद उसका गर्थ बढ़ना चालू करेगा। तो ये बात याद रखना, इनिशियली प्लांट सिर्फ अपना लेंथ बढ़ाता है, जब उसका एक सर्टन अमाउंट में लेंथ बढ़ जाएगा, उसके बाद वो डिसाइड करता है दैट नाउ इट्स गोइंग टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। फिलहाल आप नोड्स और इंटर नोड्स यहाँ पे क्या होते हैं आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक और देख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी एक नोड है, सो यहाँ पे जो मेरा स्पेस बनेगा यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज माई इंटर नोड। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज बीन कॉल्ड एज योर इंटर नोड, ठीक है। नाउ आप देखते क्या लिखा हुआ है, नोड्स आर द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न। ये मेरे वो जगह होते हैं जहां मेरे लीव्स बनाए जाते हैं। इंटर नोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द नोड्स, राइट, वो मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होते हैं। यंग स्टेम जनरली आर गोइंग टू बी ग्रीन इन कलर, लेटर ऑफन दे बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। सो जो मैंने आपको बोला, इनिशियली वो आप करेंगे ग्रीन, बट बाद में आपके हो जाते हो डार्क ब्राउन कलर के आपको होते हुए आपको मिल जाएंगे। ये पिक्चर है और ये पिक्चर में आपको यहाँ पे हमें नोट्स और इंटर नोट्स आपको काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन दिस पिक्चर दे हैव बीन वेरी क्लियरली लेबल्ड होल हियर, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका प्लांट ग्रो कर रहा होता है, जब आपका प्लांट ग्रो कर रहा होता है, सो यू विल हैव दिस प्लांट ग्रोइंग ओवर हियर, सो आपको इस टाइप का अरेंजमेंट आपको मिल सकता है प्लांट के अंदर, ठीक है। यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ओवर हियर, एक लीफ ये साइड पे, एक लीफ ये साइड पे, राइट, और थोड़ा ऊपर के साइड पे वो होता है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर ना, कि ये जो टिप होती है जो ग्रो करती रहती है, जो आपकी जो टिप होती है प्लांट की, वो हमेशा आपकी ग्रो करती रहेगी। ये जो टिप होती है प्लांट की, याद रखना, इस टिप को हम बोल सकते हैं यहाँ पे, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर, सॉरी, यू विल हैव समथिंग लाइक योर अपाइकल बर्ड। यू विल हैव यहाँ पे आपको अपाइकल बर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है। अपाइकल बर्ड आपको मिलेगा अपाइसिस के ऊपर, याद रखना, अपाइकल बर्ड मतलब एकदम आपका टिप के ऊपर ही होगा। सो यहाँ पे आपको मिल सकता है आपका अपाइकल बर्ड। और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे लीव्स बन रहे हैं, वॉट एवर द लीव्स आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, वॉट एवर द लीव्स आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, यहाँ पे दे आर ऑल गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। ये आपके बन रहे फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड में से, ये आपके बनाए जाते हैं फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड में से। तो आप इतना रखना कि आपका जो प्लांट जब ग्रो कर रहा है, उसकी जो लेंथ आपके यहाँ पे बढ़ रही है, राइट, जो टिप आपका है वो टिप पे हमें मिल सकता है देखने के लिए आपका अपाइकल बर्ड, राइट, और जो आपके यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं जहां से आपके लाइक बीच बीच में आपके लीव्स यहाँ पे निकल रहे होते हैं, दैट पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एक्सिलरी बर्ड। सो याद रखना, अपाइकल मतलब अपाइसिस, मतलब टिप वाला पार्ट। अपाइकल जब भी आपके सामने टर्म आएगा, व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक अपाइकल, आप इतना रख लेना दैट इज द टिप। इसको हम टिप बोल सकते हैं प्लांट की, या अपाइसिस इसे हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए दैट यू विल गेट टू सी कि आपके यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। और एक्सिलरी बर्ड वो जगह है जहाँ पे आपको यू विल फाइंड कि यहाँ पे आपके लीव्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो।
अब फंक्शन क्या होता है मेरे स्टेम का? फंक्शन यहाँ पे रहेगा टू स्प्रेडिंग आउट ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना, बेरिंग द लीव्स फ्लावर एंड द फ्रूट. अब आप एक बात यहाँ पे आराम से समझ लीजिए, जब एक प्लांट ग्रो कर रहा है, जब एक प्लांट ग्रो कर रहा है उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है उसका लेंथ बढ़ाना. उसका पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा लेंथ बढ़ाना, और इसका रीजन ये होता है ताकि वो अपने आप को एक्सपोज कर सके सनलाइट के सामने. जब तक प्लांट अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ नहीं बढ़ा रहा तब तक वो अपने आप को अच्छे से एक्सपोज नहीं कर पा रहा सनलाइट के सामने. तो ये बात आप समझिए, एक बार वो सनलाइट से अपने आप को अच्छे से एक्सपोज कराता है देन क्या होगा, एक प्लांट अपने ब्रांचेस बनाएगा, और ब्रांचेस बनाने का रीजन ये होता है ताकि अपने आप को लाइक पूरा स्प्रेड आउट कर सके. जब वो ब्रांचेस बना के अपने आप को स्प्रेड आउट कर रहा है तो इससे फायदा क्या होता है कि जितना वो स्प्रेड करेगा उतने ज्यादा लीव्स होंगे, और जितने ज्यादा लीव्स को सनलाइट मिल पाएगा उतना ज्यादा आप अपना खाना बना पाओगे. तो याद रखना ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेरे स्टेम का, या मैं कहूंगा एक प्लांट के ग्रोथ का. इनिशियली आप बढ़ाओ लेंथ, लेंथ जब आपको लगता है कि अच्छी खासी बन चुकी है, आप सनलाइट के सामने आ रहे हो, आपको एक्सपोजर मिल रहा है सनलाइट का, देन यू विल फाइंड कि वो अपना फिर अपना ब्रांचेस बना के अपना स्प्रेड करना अपने आपको वहां पे चालू करेगा. तो ये एक पॉइंट याद रखना हमेशा कि प्लांट इस तरीके से अपना ग्रोथ यहाँ पे हमेशा शो करेंगे, और ये एसेंशियल भी है, ये एसेंशियल भी है, बिकॉज ओनली देन यू कैन इंश्योर कि आपको हमेशा खाना आपका बनता रहे. ठीक है, देखिए एक बात समझिए, कभी आप ये चीज नोटिस करना, अगर अगर आपका कोई सीड जर्मिनेट करता है, आप सॉइल के अंदर एक सीड को जर्मिनेट कराते हो, और अगर आप उसे सनलाइट नहीं देते, अगर आप उसे सनलाइट नहीं देते तो उसका लेंथ बढ़ेगा और वो येलो कलर का होगा प्लांट, उसका लेंथ बढ़ेगा एंड द स्टेम, द स्मॉल स्टेम ओवर देयर विल बी येलो इन कलर, और वो थोड़े टाइम तक ग्रो करेगा, उसके बाद अगर उसे सनलाइट नहीं मिल रहा ना उसकी डेथ हो जाएगी, इट डोंट सर्वाइव. सो सनलाइट, सो इनिशियल रखना, जब भी आपका सीड जर्मिनेट करता है इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू लुक फॉर द सनलाइट, टू लुक फॉर द सनलाइट, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स लेंथ रैपिडली. ठीक है, नाउ यू हैव स्टेम का एक और रोल, इट इज गोइंग टू कंडक्ट द वाटर मिनरल्स एंड इट विल ऑल्सो कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, राइट. सो फोटोसिंथेसिस मतलब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं तो इनको भी वो ट्रांसफर करेगा. याद रखिए काफी सिंपल सी बात है, आपके स्टेम के अंदर ही आपको मिलेगा देखने के लिए आपका जाइलम, और इसमें ही आपको मिलेगा आपका देखने के लिए आपका आपका फ्लोएम. सो फ्लोएम जाइलम आपको इसके अंदर ही आपके ये जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो आपको इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. सो कंडक्टिंग टिश्यूज आर समथिंग विच विल बी सीन इन दिस पर्टिकुलर स्टेम, दैट इज गोइंग टू बी योर जाइलम एंड योर फ्लोएम. ठीक है, और इनके थ्रू ही आप अपना पानी मिनरल्स ये सब आपने अपना यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट करा सकते हो. देन सम स्टेम हेल्प इन द फूड स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो कुछ आपके स्टेम होते हैं जो काफी तरीके से आपकी मदद करते हैं, स्टोरेज में मदद करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, समटाइम इवन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो इसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. अब इनको एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा हमारा क्या काम कर रहा है, राइट. जनरल रूल तो हम जानते ही हैं, बट जनरल रूल के अलावा और क्या काम मेरे यहाँ पे स्टेम कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट. सो अब हम बात करते हैं हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की. अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम चालू करने के पहले क्या आपको यहाँ तक सारी चीज समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो भी हमने बताया यहाँ पे याद रखना, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है जो आपके डे टू डे लाइफ में आपने देखी है वैसी बात है, राइट. सो इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की. तो जब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, तो पहला आपका यहाँ पे स्टोरेज, बिल्कुल कुछ आपके स्टेम होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं ताकि जब कंडीशन हार्श हो तब उसे यूज करके वो सर्वाइव कर सकें, राइट, जैसे रूट्स करते थे. देन यू हैव अ स्टेम टेंड्रिल, कुछ आपके स्टेम होते हैं जो इतने पतले हो जाते हैं एक रस्सी की तरह और उसे यूज करके वो किसी के ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं, उसके थ्रू वो किसी को पकड़ के, किसी वॉल को पकड़ के वो लोग क्लाइंब कर सकते हैं, जैसे आपका वाटरमेलन का प्लांट हो गया, ग्रेप का प्लांट हो गया. तो इनके अंदर आपको स्टेम टेंड्रिल देखने के लिए आपको मिलेगा, जिनके अंदर वो स्टेम इतने पतले होंगे जिनके थ्रू यू विल फाइंड दे विल बी क्लाइंबिंग यूजिंग द सपोर्ट. देन आपके हो सकते हैं थॉर्न्स, कई बार आपके स्टेम कन्वर्ट हो जाते हैं स्टॉन के अंदर ताकि वो अपने आपको बचा सके गाय भैंस बकरियों से, राइट. कई बार कई सारे कैटल्स एक प्लांट को खा नहीं पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर थॉर्न्स लगे होंगे, तो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट. देन फाइलोक्लेड, फोटोसिंथेसिस करने वाले स्टेम, ये टर्म आपके सामने कभी भी आ जाता है फाइलोक्लेड्स, तो आपने बोलना है ये स्टेम करेगा मेरा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे इस स्टेम ने मेरा कैरी करना है मेरा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस,
इसके अंदर होगा क्लोरोफिल। देखो जनरली क्लोरोफिल आपको मिलता है लीफ के अंदर, बट यहाँ पे फाइलोक्लेट जब भी आपके सामने टर्म आएगा याद रखना, इन स्टेम के अंदर यू विल फाइंड अ क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल को यूज करके वो जो प्लांट वहां पे होगा वो करेगा आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, इट विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, राइट। एंड देन यू हैव अ स्टोलॉन, ऑफसेट एंड सकर, ये तीनों को यूज किया जाता है फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि यार ये इनमें किस तरीके से लोग ग्रो करेंगे यूजिंग दिस, राइट। सो आई कैन ऑल्सो से दैट दीज आर द स्टेम्स विच आर कैन बी, विच कैन बी कॉल्ड एज माई क्लाइंबर्स, ये लोग क्लाइंब करते हैं आपके किसी वॉल पे या किसी लाइक सपोर्ट पे क्लाइंब कर जाएंगे। इनका बेसिकली काम होता है आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन, आई कैन क्लियरली से कि इनका यहाँ पे काम बन जाएगा प्रोटेक्शन का, राइट। और ये तो लिखा हुआ स्टोरीज है, तो चलिए क्या करके इन सबको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारे उन स्टेम की जो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं, यू हैव अ स्टेम ऑफ द पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनखंड एंड कोलोकेसिया। तो ये जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये उन सारे प्लांट्स के एग्जाम्पल है जिनके अंदर स्टेम के अंदर आप फूड को स्टोर करते हो, स्टेम के अंदर आप फूड को स्टोर करते हो, और इसी खाने को वो लोग यूज करते हैं जब कंडीशन हार्श होती है। फिलहाल तो हम इन सारे प्लांट्स को यूज करते हैं हमारे पर्पस के लिए, बट ये जो प्लांट जब फूड स्टोर करा जाता है इनके अंदर, इसका रीजन ये होता है ताकि अगर कभी कंडीशन हार्श हो जाए, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, टू टाइड ओवर द कंडीशन ऑफ अनफेवरेबल ग्रोथ। मतलब जब आपकी कंडीशन आपकी हार्श हो जाएगी, जब आपकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, तो वो टाइम पे सर्वाइव करने के लिए आप इन स्टेम्स को आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस स्टेम्स फॉर द सर्वाइवल। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। नाउ देन यू हैव द स्टेम टेंड्रिल, अब जब हम बात करें स्टेम टेंड्रिल, जैसे कि आपको बताते हैं ये आपके क्लाइंबर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, लाइक बेसिकली यहाँ पे आपके स्टेम इतने थिन होंगे, इतने पतले होंगे और इतने रोप जैसे होंगे कि ये जो स्टेम होते हैं आपके, ये बेसिकली यूज करते हैं किसी भी वॉल को, किसी भी रॉड को, कोई भी स्ट्रक्चर को एज अ सपोर्ट, और उसके ऊपर ये लोग ग्रो कर जाते हैं। सो स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड, ये आपके स्टेम होंगे, स्लेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड। स्ट्रक्चर्स डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड, ये आपके एक्सिलरी बड में से डेवलप कर जाते हैं। दे हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब, ये बेसिकली प्लांट को हेल्प करते हैं क्लाइंब करने के लिए। एंड इनके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे बन जाएंगे आपके यहाँ पे क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड इवन योर ग्रेपवाइन, राइट। These are going to be the example, even the grouts are going to be the example, these are going to be the examples of your stem tendril. आपने अगर कभी अपने घर के आसपास या कहीं पे देखा होगा किसी को ग्रेप का फार्मिंग करते हुए, तो जब आप ग्रेप का फार्मिंग करते हो तो आपको रॉड लगाने पड़ते हैं वहां पे, आपको कई सारे वहां पे रॉड ला के रखने पड़ते हैं ताकि ग्रेप की वाइन उसके ऊपर ग्रो कर सके, ताकि ग्रेप की वाइन उस पर ग्रो कर सके और वो काफी फटाफट आपकी ग्रो करके आगे निकल जाए। सेम चीज करी जाती है आपके वाटरमेलन के लिए, सेम चीज आपकी करी जाती है आपके पम्पकिन के लिए। पम्पकिन तो पक्के से आप लोगों ने ग्रो किया होगा आपके घर के आसपास, ये तो आपने ग्रो किया होगा। कद्दू तो आप लोग ग्रो करते होंगे ना घर के आसपास? यस सर, ये तो हमने बहुत बार ग्रो करते हुए देखा है हिमाचल के अंदर, एंड उसे वक्त रहते हम लोग वहां से निकाल लेते थे, और एल्स व्हाट यूज्ड टू हैपन कि बंदर आके उस पे लाइक थोड़ा उसे खा लेते थे, देन वी कुडंट यूज दैट। सो यू विल फाइंड दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ माई, यहाँ पे आपको स्टेम मिलेगी एंड दैट इज योर स्टेम टेंड्रिल जो यूज की जाती है क्लाइंब करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ये एग्जाम्पल्स हमने याद रखने हैं। देन After that you have modification of a thorns. अब जब हम thorns की बात करते हैं तो याद रखना ये basically sharp pointed structures आपके होते हैं, ये आपको stem में मिल जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, you have two example, you have a citrus and you have a bougainvillea. इन दोनों के अंदर आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे sharp structure, you call them as a thorns. अब याद रखना thorns और spines अलग होते हैं, thorns और spines दोनों चीजें अलग होती है। Thorns आपके बनाए जाते हैं from the stem, और स्पाइंस आपके बनाए जाते हैं फ्रॉम द लीव। ये बात रखना, जहां पे आप स्पाइंस की बात करें, जो हम आगे पढ़ेंगे, स्पाइंस आर गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द लीव। तो फिलहाल आप स्पाइंस को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर थॉर्न्स में क्या होता है, सो थॉर्न्स आपके रहेंगे यहाँ पे पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो आपके एक्सिलरी बर्ड में से आपके यहाँ पे बनेंगे। याद रखिएगा कि जो थॉर्न्स होते हैं उनका एक ही काम होता है, प्लांट को करना प्रोटेक्ट, बस। तो बेसिकली ये बनाए इसलिए जाते हैं ताकि कोई इनको आके खाए ना, कोई भी प्लांट आके इनको खा ना पाए, और इसलिए इनको बनाया जाता है। सो दे प्रोटेक्ट द प्लांट, दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, एक ब्राउजिंग एनिमल्स में से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है।
एक यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो गया सिट्रस का, दूसरा एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो गया बोगनविलिया का, राइट। सिट्रस प्लांट पे आपको इवन एग्जाम्पल इसमें आ जाता है, लाइक इवन आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक आपका इवन लेमन का ट्री, उसमें भी आपको यहाँ पे थॉर्न्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। सो सिट्रस एंड बोगनविला आर द टू एग्जाम्पल्स जहाँ पे आपको थॉर्न्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप इनको पकड़ भी नहीं सकते हैं काफी आराम से, बिकॉज यू हैव दिस शार्प स्ट्रक्चर्स ओवर देयर। देन फालोक्लेट, जैसे कि मैंने आपके यहाँ पे बोला था, जब भी आपके सामने फालोक्लेट टर्म आएगा आप बोलेंगे कि इनका काम होता है मेरे यहाँ पे करना फोटोसिंथेसिस, दे आर गोइंग टू बी कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस। ये चीज आपके जहन में सबसे पहले आनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, आपको मैं एक, जैसे आपका यहाँ पे एक प्लांट है ओपुंशिया, ओपुंशिया एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है क्योंकि ये आप यहाँ पे भी पढ़ोगे और इसे इकोलॉजी में भी आप पढ़ोगे। तो ये जो आपका प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या होता है, इट इज लाइक बेसिकली इट विल बी योर कैक्टस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दैट इट इज अ प्लांट विच विल बी ग्रीन इन कलर, ये आपका ग्रीन कलर का यहाँ पे प्लांट होगा, दिस विल बी ग्रीन कलर का प्लांट, राइट। अब जो ग्रीन कलर का प्लांट होगा आपका ये, इसके अंदर आपको लीफ देखने के लिए आपको नहीं मिलता है, तो इसमें पूरा ये जो आपका स्टेम रहेगा ये आपके यहाँ पूरा ग्रीन कलर का यहाँ पे आपकी स्टेम रहेगी, राइट, एंड इट वोंट हैव द लीव्स। अब जब आपके पास पूरा एरिया आपका ग्रीन कलर का है, तो याद रखना यहाँ पे आपके जो स्टेम होगा दैट विल कैरी आउट द इवेंट ऑफ माय फोटोसिंथेसिस, यही मेरा यहाँ पे करेगा आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि ऐसे प्लांट के अंदर जहां पे आपका स्टेम कैरी आउट कर रहा है आपका फोटोसिंथेसिस, आपके पास लीफ नहीं है, तो नेचर ने इनको लीफ क्यों नहीं दिए होंगे, आप मुझे बताइए। मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ, हिंट आपके सामने ये है कि ओपुंशिया मुझे मिलता है देखने के लिए डेजर्ट वाले एरियाज के अंदर, दिस सेम इन द डेजर्ट एरियाज, या मैं इवन कह सकता हूँ उनको इवन बोल सकते हैं एज अ एरिड एरियाज या एरिड कंडीशन। सो एरिड एरियाज या एरिड कंडीशन में आपको ये मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या दिक्कत आती है यहाँ पे, क्यों ऐसा होता है? ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही। देखिए लीव्स आपके पास यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपका लीव्स होगा, देखिए अगर लीव्स होते हैं तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर लीव्स अगर आपके पास होंगे तो उससे क्या होगा, यू विल फाइंड बिकॉज ऑफ लीफ व्हाट विल हैपन, ट्रांसपिरेशन विल हैपन, ट्रांसपिरेशन आपका होगा। और ट्रांसपिरेशन का सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका यहाँ पे हो रहा है आपका वाटर लॉस, इसको आप इस तरीके से देखोगे इट इज कॉल्ड एज अ वाटर लॉस। अब वाटर लॉस आप इस एरिया में अफोर्ड नहीं कर सकते, देखिए सुनिए बात ध्यान से, आपका ओपन शेयर रेड डेजर्ट में या एरिड कंडीशन में यहाँ पे पानी की वैसी कमी है। अब जहां पे आपकी पानी की वैसी कमी है आप वहां पे पानी का नुकसान आप नहीं कर सकते, यू कैनॉट लूज द वाटर ओवर हियर, यू कैनॉट लूज वाटर इफ यू हैव अ ट्रांसपिरेशन हैपनिंग ओवर, इफ यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसलिए आपने लीव्स को यहाँ पे रखा ही नहीं, आपने बोला कि स्टेम से हम कराएंगे हमारा फोटोसिंथेसिस ताकि हम हमारा पानी भी बचा पाए और हमारा लाइफ भी हमारा सस्टेन कर पाए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये एक चीज अच्छी चीज आपको याद रखनी है। सो याद रखना इट इज अ ग्रीन फ्लैटेंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम, राइट, कंटेनिंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो हमने बात किया था, फाउंड इन सम प्लांट्स ऑफ एरिड कंडीशन, जो एरिड मतलब जो वहां पे पानी की कमी होती है उस एरिया की हम बात करते हैं। ओपुंशिया आपका एक बढ़िया एग्जाम्पल है, उसके साथ यू हैव द यूफोर्बिया। सो यूफोर्बिया एंड ओपुंशिया आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, बोथ ऑफ द एग्जाम्पल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट जो आपको एरिड कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इवन ये प्लांट आप घर पे भी ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन के अंदर, काफी कॉमनली दिख भी जाता है, वी हैव सीन दिस प्लांट्स ग्रोइंग इन द गार्डन, ठीक है। तो ये दो प्लांट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं और इनके अंदर आपकी स्टेम होती है जो आपका फोटोसिंथेसिस करेगी और वो थिक भी होगी, देखा वो, देखो आप स्टेम को देखो काफी थिक होती है, वो ग्रीन होती है, फ्लैट होती है, थिक होती है और फ्लैशी होती है। सो यू गेट टू सीन द स्टेम इन दैट, राइट। तो ऐसा भी करना पड़ता है बट ये करने की जरूरत आपको तब पड़ रही है क्योंकि आप रहे ऐसी जगह पे रहे हो। देखो बात समझो, आपको अडेप्टेशन जो मिल जाए ये सब, या मैं कहूंगा जो भी आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो आपको मिल रहे, ये बेसिकली अडेप्टेशन है उस एनवायरमेंट के लिए। दिस प्लांट ग्रो इन सच एनवायरमेंट जहां पे जरूरत है ऐसे अडेप्टेशन की, इसलिए आपको ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। तो दैट इज माई फाइलोक्लेट, तो ये बात भी याद रखना। देन यू हैव द स्टोलॉन। अब स्टोलॉन को यहाँ पे आप देखो, अब स्टोलॉन जो हम यहाँ पे है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो स्टोलॉन को मैं अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इफ आई हैव टू टेल यू द स्टोलॉन ओवर हियर, सो व्हाट विल हैपन इन दिस, ना इसमें आपको क्या मिलेगा, समझिए आपके पास यहाँ पे है प्लांट, यू हैव प्लांट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्लांट है, राइट, ये आपका यहाँ पे सॉइल है,
ये ट्री बन गया, बट ऐसा कहूंगे छोटा सा प्लांट है, राइट। अब इसमें क्या होता है, आपके बेस ऑफ द स्टेम से आपका निकलेगा एक लंबा सा स्टॉक, आपके बेस ऑफ द स्टेम में से आपका एक लंबा सा आपका यहाँ पे एक स्टेम निकलेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा सॉइल के ऊपर, एंड देन क्या होता है उसके बाद, यू विल फाइंड कि यहाँ में इसमें से ही आपका एक नया प्लांट निकलना चालू करेगा। सो इसमें से आपका एक नया प्लांट इमर्ज होके बाहर आना यहाँ पे चालू करेगा। सो न्यू प्लांट विल स्टार्ट इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोलॉन। तो ये जो लंबा सा स्टेम जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज समथिंग यू कॉल्ड एज अ स्टोलॉन, इसको हम यहाँ बोलेंगे एज अ स्टोलॉन। और स्टोलॉन आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है कई सारे कमर्शियल प्लांट्स के अंदर। देखो एक बात याद रखना, अगर आपके पास कोई प्लांट है, अब इमेजिन कर लो कि आप एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हो, अगर आपके पास कोई प्लांट है जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, आप चाहोगे कि उसके अंदर हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आप चाहोगे कि उसके अंदर शो करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसका फायदा यहाँ पे ये होता है कि आपका प्लांट रैपिडली ग्रो करेगा। अगर आपका प्लांट रैपिडली ग्रो कर रहा है तो आपको कमर्शियली फायदा भी ज्यादा होगा। सेकेंड चीज, इसमें फायदा एक और होता है इसका, लाइक अगर कोई कैरेक्टर है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट के अंदर, तो वो चेंज नहीं होता, वो वैसा के वैसा ही रहेगा। क्योंकि याद रखना, अगर इस तरीके से अगर मेरा प्लांट अपने आप को बढ़ा रहा है, यहाँ पे उसने एक प्लांट बना लिया, फिर ऐसे यहाँ से एक और लंबी एक और स्टेम निकलेगा और वहां पे जाके फिर वहां पे एक और वहां पे एक प्लांट बनेगा, राइट। तो अगर ऐसे आपके प्लांट बन रहे हैं तो इनका फायदा क्या है, ये सारे के सारे प्लांट सेम होंगे, ऑल द प्लांट्स आर गोइंग टू बी सेम। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जब भी हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो याद रखना नेचर में, नेचर के अंदर शायद इसका इतना फायदा ना हो, क्योंकि इसके अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिल जा, क्योंकि सबके सब यहाँ पे सेम रहेंगे। बट कमर्शियली इसका फायदा काफी ज्यादा होता है। कमर्शियली फायदा यहाँ पे ये होता है दैट यू विल गेट टू सी कि सारे प्लांट मेरे सेम होंगे, राइट, एंड दे विल ग्रो रैपिडली। सो दैट इज समथिंग यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव अ स्लेंडर लैटरल ब्रांच आपके यहाँ पे बन रही है, आपको एक लैटरल ब्रांच आपके यहाँ पे बनी, राइट, दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, ये आपके स्टेम के बेस में से आपकी बन रही है, राइट, उसके मेन एक्सिस में से आपकी बन रही है, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम तक ग्रो करने के बाद ये आपकी नीचे चली जाएगी, इट विल गो डाउनवर्ड्स, इट विल आर्च डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड, ये आपके जाके जमीन को छू लेगी, और जैसे वो जमीन को वहां पे छुएगी, व्हाट विल हैपन, वहां से आपका एक नया प्लांट वहां पे आपका ग्रो करेगा। तो ये चीज आपको होते हुए मिलती है आपके स्टोलॉन के अंदर, ये आपका ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली काफी टाइम के लिए, उसके बाद ये जमीन को जाके टच करेगा और वहां से आपका नया प्लांट ग्रो करेगा। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके यहाँ पे बन जाते हैं मिंट एंड जैस्मिन। सो मिंट एंड जैस्मिन आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ योर प्लांट विच शोज दिस काइंड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट इज योर स्टोलॉन। तो स्टोलॉन में याद रखना, आप ग्रो करोगे हॉरिजॉन्टली, फिर आप टच करोगे टिप को और वहां से फिर आपका नया प्लांट यहाँ पे आपका ग्रो कर जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताइए, क्लाइंबर प्लांट या प्लांट जिसके अंदर आपको देखता है मिलता है देखने के लिए आपके टेंड्रिल्स, ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? पम्पकिन, पम्पकिन, राइट, ट्रू। सो ये आपके बन जाते हैं वाटरमेलन, ग्रेपवाइन, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जो आप याद रखते हैं, ग्रेपवाइन, वाटरमेलन, पम्पकिन, राइट, दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन सिंपल एग्जाम्पल्स यू विल गेट टू सी इन द टेंड्रिल्स। अब मुझे बताइए, आप मुझे एग्जाम्पल लीजिए थॉर्न्स के, थॉर्न्स के अंदर हमने कौन से एग्जाम्पल देखे थे? सिट्रस आपका, बिल्कुल सी, सिट्रस, सिट्रस नाम आए तो आप लेमन को याद कर लिया करो, राइट, एक तो आपका वहां पे सिट्रस और दूसरा तो आपका वहां पे बोगनविलिया, राइट, सो बोगनविलिया एंड सिट्रस वर द टू प्लांट्स व्हिच वर सीन इन द थॉर्न्स, ठीक है, सो वन वाज द बोगनविलिया। सो ये दो आपके यहाँ पे हो गए। अब आप मुझे बताइए, मुझे आप लोग फटाफट बताइए उन रूट्स, उन उस प्लांट का नाम बताइए जिसके अंदर आपको नेमेटोफोर्स देखने के लिए मिलते हैं, कल की बात हो गई है तो, राइट राइट, राइजोफोरा, वेरी गुड, अच्छा ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑफसेट। अब जब भी आपके सामने ऑफसेट टर्म आएगा एनसीईआरटी के अंदर, आप याद रखना कि ये मुझे मिल रहा है एक्वेटिक प्लांट के अंदर, सबसे पहले याद रखना कि ये भी मेरा तरीका है टू रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, बट ये आपको मिलेगा होते हुए इन द एक्वेटिक प्लांट। सो आई विल फाइंड दिस हैपनिंग इन योर एक्वेटिक प्लांट्स, ये मुझे आपके एक्वेटिक प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा काफी क्लियरली, राइट।
दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ माई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज, लैटरल ब्रांच यहाँ पे आपका ग्रो करेगा विद अ शॉर्ट इंटरनोड, राइट. यहाँ पे आपकी शॉर्ट इंटरनोड आपको यहाँ पे मिलेगी, एंड ईच नोड बेयरिंग अ रोजेट ऑफ लीफ, हर एक नोड के अंदर आपको रोजेट ऑफ लीफ यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, राइट, एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स. तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे यू हैव अ पिस्टिया एंड यू हैव अ इकोनिया, राइट, दोनों आपके यहाँ पे प्लांट बने हुए. देखो यहाँ पे होता क्या, इफ आई हैव टू टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे, सो यू हैव दिस प्लांट एंड समझो यहाँ पे आपको रोजेट्स ऑफ लीव मिले, यहाँ पे आपको लाइक ऐसे क्लस्टर मिल रहा है आपको लीव्स का, ठीक है, इसके अंदर. सो नाउ यू हैव दिस क्लस्टर ऑफ लीव ओवर हियर, अब ये आपका ग्रो करेगा वैसे ही लैटरली, राइट, एंड तुरंत वापस से आपको एक और क्लस्टर ऑफ लीफ आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, यू विल गेट टू सी अ क्लस्टर ऑफ लीफ अगेन. और ऐसे ही करते करते हुए ये आपका इस तरीके से आपका ग्रो करता रहेगा, दैट इज हाउ यू विल फाइंड देम ग्रोइंग रैपिडली इन दिस वे. ठीक है, नीचे आपको मिलता है यहाँ पे टफ ऑफ रूट्स, यू विल गेट टू सी ओवर हियर, यू विल हैव एकदम सॉरी यू विल हैव अ बंच ऑफ रूट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको गुच्छा मिलेगा आपको रूट्स का, यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए. और ये चीज काफी कॉमनली आपको मिलेगी देखने के लिए आपके पिस्टिया के अंदर एंड योर इकोनिया. सो इकोनिया एंड पिस्टिया आर द टू प्लांट्स जिसके अंदर आपको ये काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाता है, सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर. सो इकोनिया एंड पिस्टिया आर द टू थिंग्स, टू प्लांट्स विल गेट टू सी जिनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑफसेट. ये दो एग्जाम्पल्स आपको इसके अंदर याद रखने हैं. After that, you will have the last one is your sucker. Sucker में basically क्या होता है यहाँ पे, अब इसमें interesting बात क्या होती है sucker के अंदर कि आपका जो lateral stem यहाँ पे grow करेगा, समझो ये मेरा soil है यहाँ पे, समझो मेरा यहाँ पे ये soil है and you have a plant over here, you have a plant over here, ये आपका stem बना हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पे समझो आपके पास है यहाँ पे plant बना हुआ है, इसके ऊपर आपके यहाँ पे ऐसे leaves लगे हुए हैं, right. अब जब हम suckers की बात करते तो याद रखना इसमें होता क्या है, आपके जो स्टेम होता है उसका एक सर्टन पार्ट आपका होगा सॉइल के अंदर, आपका जो स्टेम होगा उसका सर्टन पार्ट आपका सॉइल के अंदर भी आपका मिलेगा आपको देखने के लिए, राइट. तो जो सॉइल के अंदर जो आपका पार्ट होता है, मैं यहाँ पे रूट्स भी बना देता हूँ, अज्यूम दैट ये मेरे यहाँ पे रूट्स हैं, राइट. अब जो स्टेम का जो सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट है वहां से आपका लैटरल ब्रांच बनेगा, तो जो सॉइल के नीचे जो मेरा यहाँ पे जो आपका पार्ट है आपके स्टेम का, यहां से आपका लैटरल ब्रांच बनता है, यहां से आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे लैटरल ब्रांच. सो यू विल गेट टू सी ओवर हियर द लैटरल ब्रांच इज गेटिंग फॉर्मड. और ये जो लैटरल ब्रांच यहाँ पे बनेगा ये एक टाइम तक नीचे ग्रो करेगा, सॉइल के नीचे ही है, सॉइल के ऊपर नहीं, ये सॉइल के नीचे है, ये नीचे तक ग्रो करेगा और फिर किसी दिन ये बाहर निकलेगा यहाँ से एंड विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांटलेट. यहाँ से बाहर निकलेगा और आपका न्यू प्लांटलेट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है. तो ये चीज आपको होते हुए मिलेगी एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर सकर. तो सकर में याद रखना आपका यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली आपका जो प्लांट है उसके स्टेम में से ही आपकी ब्रांच निकल रही है, एक आपकी लैटरल ब्रांच आपकी निकल रही है, वो जो लैटरल ब्रांच है वो सॉइल के नीचे है, इट इज बीनीथ द सॉइल. याद रखना ये जो हमने बनाया यहाँ पे, ये पानी नहीं है, सॉइल है, दिस इज गोइंग टू बी अ सॉइल सरफेस, ये है आपके यहाँ पे सॉइल का सरफेस और सॉइल के सरफेस के नीचे ही आपको यहाँ पे आपकी एक लैटरल ब्रांच मिलेगी, वो सॉइल के नीचे ही ग्रो करेगी और फिर किसी दिन एकदम से बाहर निकलेगी एज अ न्यू प्लांट. तो ये होता है देखने के लिए, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन योर सकर, यही आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे सकर के अंदर. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सी, इट इज अ लैटरल ब्रांच दैट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट इज अ लैटरल ब्रांच दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम. ये आपके स्टेम में से निकल रहे, लेकिन जो स्टेम का पार्ट जमीन के नीचे है वहां से ये आपकी बनते हुए आपको दिखेगी. इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली आपकी ग्रो करेगी, राइट, बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे ग्रो करेगी एंड कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू अ लीफी शूट. और एकदम से फिर बाहर निकलेगा किसी दिन आपके सॉइल में से बाहर निकलेगा और एक नए प्लांट को यहाँ पे वो अराइज कराएगा. तो इसके एग्जाम्पल याद ना, इसके एग्जाम्पल बड़े ही अगेन कॉमन है, यू विल हैव एग्जाम्पल लाइक जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहेंगे, यू विल हैव अ बनाना जो बहुत ही कॉमनली आपको दिख जाता है आपके घर के आसपास, नॉट रियली आपके घर के आसपास आपको बनाना का फार्मिंग इतना नहीं मिलता, but it is common in the country, throughout the country. Then you have the pineapple and then you have the Crassathenium, Crassathenium. I can, okay, it's, तो ये तीन आपके example बन जाते हैं, the other three examples we'll get to see for your sucker plant, banana, pineapple
एंड क्रैसेथेनियम इज गोइंग टू बी द थ्री एग्जांपल यू विल गेट टू सी फॉर योर सकर प्लांट. तो ये तीन एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखने हैं. दीज आर थ्री एग्जांपल्स यू हैव टू नो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बनेंगे वो एग्जांपल के और बेस आपको बनेंगे. राइट, याद रखना बनाना आपका इस तरीके से आपका डिवाइड ग्रो करेगा एंड दैट इज वाई बनाना काफी रैपिडली ग्रो करता है और इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी काफी यहाँ पे ज्यादा होती है. ठीक है, एंड द सेम थिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन द पाइनएप्पल एंड सेम थिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन द क्रैसेथेनियम. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ये आपके बन जाते हैं यहाँ पे तीन एग्जांपल ऑफ योर सकर. सो सकर, स्टोलॉन एंड ऑफसेट. सकर, स्टोलॉन एंड ऑफसेट जो आपके यहाँ पे तीन एग्जांपल है, दीज थ्री एग्जांपल्स आर गोइंग टू बी एग्जांपल फॉर माय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये मेरे तीन एग्जांपल बन जाते हैं मेरे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के. तो ये तीन एग्जांपल, ये तीन टर्म्स आपको याद रखना है और इसमें एग्जांपल जो आपके आएंगे वो आप यहाँ पे याद रखिएगा. दीज आर द थ्री एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हैं, मिंट, जैस्मिन, एंड इसमें आपका आ रहा है यू हैव द इकोनिया एंड योर प्रिस्टिया एंड देन यू हैव ओवर हियर द बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रैसेथेनियम. इज गोइंग टू द थ्री एग्जांपल यू गेट टू सी. सो ये आपको याद रखना है एंड दीज आर द मॉडिफिकेशंस यू हैव टू नो. तो यहाँ पे आपके सारे के सारे मॉडिफिकेशंस यहाँ पे आपके खत्म होते हैं. अब फटाफट हम लोग यहाँ पे ये देखिए कि इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं. तो आप मुझे बताइए, इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? अगर आप स्टेम करें तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है. सो दैट इज गोइंग टू बी अ स्टेम ओवर देयर. बिल्कुल स्टेम ही आपका यहाँ पे बनेगा जिसके अंदर आपको लाइक जिनसे आपके यहाँ पे थॉर्न्स बनेंगे. बोगनविला के अलावा एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या देखा था? सिट्रस. वेरी गुड, सिट्रस इज अनदर एग्जांपल ओवर देयर. चलिए एक और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज. बताइए. ठीक है, फाइलोक्लेट्स आप यहाँ पे कह रहे कि यहाँ पे इसका सही आंसर होगा. आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कह रहे कि फाइलोक्लेट इसका सही आंसर होगा तो इसका एग्जांपल भी मुझे बता दीजिए. पंछिया एंड यूफोर्बिया. ये दोनों एग्जांपल मेरे बनेंगे एग्जांपल ऑफ माय फाइलोक्लेट. सो याद रखना ये दोनों ही वो मेरे प्लांट है जो खुद से इनके स्टेम फोटोसिंथेसिस यहाँ पे करेंगे. इनके पास लीव्स नहीं होते और ये इसलिए नहीं इनके पास लीव्स होते क्योंकि दो द प्लांट्स, दोनों के दोनों प्लांट्स आपको मिलेंगे ग्रो करते हुए इन योर एरिड कंडीशन. बोथ द प्लांट्स आर बीइंग सीन ग्रोइंग इन द एरिड कंडीशन. 12.8. बेटा किसका माइक ऑन है? फटाफट अपना माइक बंद करो. राइट, सो दैट इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर. जस्ट वेट अ मिनट. हाँ जी ठीक है. चलिए, एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम. इनमें से कौन सा मेरा एग्जांपल बन जाता है मेरे एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का? बताइए. पोटैटो. बिल्कुल सही. पोटैटो बनेगा एग्जांपल ऑफ माय एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम. क्यों, स्वीट पोटैटो नहीं बन सकता एग्जांपल? नो सर. तो किस चीज का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो? मतलब ये रूट्स बेटा, रूट्स. यहाँ पे रूट्स हो रहे आपके, स्टोरेज कर रहे हैं. राइट, और कैरेट के अंदर क्या होगा? टैप रूट या रूट्स. यहाँ पे भी आपके रूट्स होते हैं जो आपके स्टोरेज करते हैं. पोटैटो में बेसिकली विल गेट टू सी दैट यहाँ पे आपका स्टेम स्टोरेज आपके यहाँ पे कर रहा है. सो यस, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा. ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही है. ये लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनाते हैं, इसलिए अगर आप नोटिस करोगे तो हम लोग भी इस स्लाइड्स को थोड़ा लाइक हम लोग फटाफट हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं. सो दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, you solve the questions and you just go through the NCERT. बस तुम्हें उतना ही करना है इस चैप्टर के अंदर. You don't really have to spend way too much of time to understand something. ठीक है. Which of the following is a xerophytic plant in which the stem is modified into a flat green structure, succulent structure? बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर? Opuntia. आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाता है. याद रखिएगा जब भी आपके सामने लिख के आ रहे xerophytic, xerophytic मतलब those plant which grow in the arid condition. ये वो प्लांट है which grows in the arid condition. They grow, these plant grow in arid conditions. Arid condition है, arid environment के अंदर ये लोग आपके ग्रो करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली xerophyte, जब भी तुम्हारे सामने xerophyte टर्म आएगा तो इतना दिमाग में बिठा लेना ये वो प्लांट है जो वहां पे ग्रो करेंगे जहां पे पानी नहीं होता. पानी की होती है यहाँ पे स्कैसिटी. तो आई विल लेट मी राइट इट डाउन. दिस प्लांट आर ग्रोइंग इन अ हैबिटेट वेयर यू हैव अ वाटर स्कैसिटी. ये वहां पे ग्रो करेंगे आपके जहां पे यू विल हैव द वाटर स्कैसिटी.
तो ये बात याद रखना। तो ये टर्म देख के वही दिमाग में आना चाहिए कि रेगिस्तान में ग्रो कर रहे हैं, एरिड कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं और वहां पे पानी की कमी है। ऐसे ही आपके सामने एक और टर्म आ सकता है जो बड़ा ही सिंपल है समझने के लिए। यू कैन हैव अ टर्म लाइक योर हाइड्रोफाइट्स, यू कैन हैव अ टर्म लाइक योर हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स अगर आपके सामने टर्म आता है, याद रखना ये मेरे वो प्लांट्स है जो पानी के अंदर ग्रो कर सकते। दे आर द प्लांट्स ऑफ वाटर, दीज आर प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर, सो दीज आर योर वाटर प्लांट्स। So, ऐसे टर्म्स आपको आगे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, न्यू बनाना प्लांट डेवलप्स फ्रॉम व्हाट, नया बनाना प्लांट मेरा किस में ठीक है। और बनाना के अलावा आपके यहाँ पे होगा फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल का एंड क्रिसैंथेमम का, आप यहाँ पे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आपका बन जाएगा। स्टोलॉन क्या बना सकता है आपके यहाँ पे, स्टोलॉन में से कौन से प्लांट बन देते हैं? मिंट, जैस्मिन, एंड जैस्मिन। मेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पुदीना। पुदीना, पुदीना। वेरी गुड, अच्छा चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लीफ। अब हम स्टोरी हमारी चालू करते हैं लीफ की, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं लीफ का कि लीफ करता क्या है, क्या होता है। अब आप मुझे बताओ, खुद सोच के बताओ, लीफ जो है बेसिकली वो आपका कहाँ से ओरिजिनेट, मतलब ये बेसिकली ओरिजिन इसका कहाँ से आ सकता है, ल्यूमुल में से या रेडिकल में से? ल्यूमुल। इतना तो हम जानते हैं। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बेयर्स द बड एट इट्स एक्सेल, बिल्कुल इसका नोड पे डेवलप करता है और आपका बड यहाँ पे बनाता है एट द एक्सेल के ऊपर। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम and are arranged in the acropetal order. So acropetal order मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, ये जो order मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, that is called as acropetal order. यहाँ पे कहाँ गया? So you have one order which I've shown you over here. ये, so ये जो order मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐसे करके हुए, that is going to be called as my acropetal order. इसको मैं बन कह सकता है sir. I will show you original picture भी आपको मैं दिखा दूँगा कल की क्लास में. This is my acropetal order. अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, चलो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया acropetal order, यहाँ पे हमने देखा एक चीज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, that is going to be your again meristematic term, ये रहा shoot apical meristem. देखो एक चीज याद रखना, आपके प्लांट के अंदर यू विल फाइंड, आपके प्लांट के अंदर यू विल फाइंड कि यू विल हैव द apices. सो लेट मी शो यू ओवर हियर. देखिए समझिए, अगर आपके यहाँ प्लांट है, यहाँ पे इसकी सॉइल बना दी मैंने, ये इसकी सॉइल कवरिंग है, राइट? निचले पार्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे रूट्स, निचले पार्ट में आपके रूट्स बनते हैं. तो अगर आपको कुछ गया रूट्स बन कैसे रहे, तो आप याद रखना रूट्स बनते इसलिए बिकॉज आपके बॉटम वाले एरिया के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए रूट अपाइकल मेरिस्टेम, राइट? निचले एरिया में आपके जो टिप होता है, आपको जो टिप होता है यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो आपने इवन पिक्चर में भी देखा था. We have the meristem over here. So, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a root apical meristem. Or I can simply call it as a right root meristem. ये मैं उन्हें यहाँ पे बोल सकता हूँ. तो इसके थ्रू आपको रूट्स आपका बनाया जाएगा. उसी तरीके से जो अपर पार्ट होता है आपके जो प्लांट का, जो अपर पार्ट होता है, उस अपर पार्ट के अंदर भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे meristem. और यहाँ पे जो meristem मिलता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a apical meristem. Apical meristem. और राधा मैं कहूंगा इसे एज अ शूट अपाइकल मेरिस्टियम. अब शूट अपाइकल मेरिस्टियम से इतना समझ लो, देखो अपाइकल मतलब अपाइसिस, मतलब टिप के ऊपर. अपाइकल जब भी आपके सामने टर्म आ रहा है याद रखना दैट मींस एट द टिप. मेरिस्टियम जब आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द मेरिस्टमैटिक सेल्स. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अबाउट द मेरिस्टमैटिक सेल्स. तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द मेरिस्टमैटिक सेल्स. अब आप मुझे बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में, इन सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोग मुझे बताइए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेल्स, क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी? रैपिडली ये लोग करेंगे डिवाइड. सो ये एक बार आपने डिवाइडेड, रैपिडली डिवाइड, और क्या उसके अलावा? अपना नंबर बढ़ाएंगे. हाँ वही, वो आपने हिंदी में बोल दिया, मैं कह रहा हूँ रैपिडली नंबर बढ़ाएंगे, वो सेम चीज है. और कुछ
और कुछ एक चीज मैं बता दी क्या, डिफरेंशिएटेड। हाँ राइट, दे आर गोइंग टू बी अनडिफरेंशिएटेड। ये जो मेरे सेल्स यहाँ पे होते हैं दे आर गोइंग टू बी योर अनडिफरेंशिएटेड। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये अनडिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब इनका फिलहाल कोई काम नहीं है, फिलहाल इनका कोई काम नहीं है, लेकिन ये आपका लेंथ बढ़ाने में आपके यहाँ पे मदद करेंगे। दे विल जस्ट कीप ऑन एडिंग द सेल्स, और जो ये लोग सेल बनाते हैं उन सेल में से फिर आपका पूरा स्ट्रक्चर आपका प्लांट का बनता है। उन सेल में से आपकी लीफ बनाए जाएंगे, उन सेल्स में से आप अपने ब्रांचेस बनाओगे। तो याद रखना आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो आपको रूट के साइड पे भी मिलते हैं, जो हमने देखे थे पिक्चर के अंदर, और आपको ये शूट वाले एरिया में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये प्रॉपर्टी तो इनकी सेम ही रहेगी, इनका काम होता है रैपिडली डिवाइड करना, एंड दे आर माई अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये हमेशा आपके नए सेल्स ऐड करेंगे और उन नए सेल्स में से मेरा लीफ बनेगा या मेरा वहां पर स्टेम बनेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। यहाँ से आपका पूरा स्ट्रक्चर आपका बनाया जाता है, इनफेज ही बनाया जाता है। तो ये बात याद रखना, ये हमेशा आपको मिलेगी देखने के लिए। नाउ उसके बाद दे आर इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, लीफ के बगैर तो काम चल नहीं सकता। अगर लीफ अगर आपका झड़ जाता है ना, अगर लीफ अगर आपका झड़ जाता है देन आपका लाइक ऑब्वियसली यू विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़ी सोचने वाली बात है। आपके घर के आसपास आपको कई सारे प्लांट मिलेंगे, क्योंकि आप हिमाचल से, आपको कई सारे प्लांट या ट्री मिलेंगे जिनके अंदर आपको लीफ पूरे निकल जाएंगे एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर। यू विल फाइंड उस प्लांट में से, उस ट्री में से आपके लीव्स पूरे झड़ जाते हैं एक सर्टन सीजन के अंदर, एंड सडनली आफ्टर फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स यू विल फाइंड उसके अंदर आपके नए लीव्स आना चालू करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर उसके पास लीव्स है ही नहीं तो वो कैसे सर्वाइव करता होगा? हाउ द प्लांट वाज सर्वाइविंग अगर लीफ ही नहीं है उसके पास? तो सोचिए और बताइए मुझे, हाउ द प्लांट वाज सर्वाइविंग, वो कैसे वो सीजन निकाल लेता है जब उसके पास लीफ होते ही नहीं है? तो बताओ सर, जो उसने एनर्जी स्टोर की होती है उस टाइम वो उसको यूज करते हैं। हाँ जी, उसने एनर्जी स्टोर की होती है, और आपके हिसाब से उसने एनर्जी कहाँ पे स्टोर की होगी? उसने एनर्जी स्टोर करी रहती है इधर स्टेम के अंदर या फिर आपके रूट्स के अंदर। ठीक है, इधर स्टेम के अंदर, रूट के अंदर वो एनर्जी स्टोर करेगा, और उसी एनर्जी को मतलब वो फूड को स्टोर करेगा, और उसी फूड को यूज करके वो अपने आप को वहां पे अलाइव रखता है। इट इज एबल टू कीप इटसेल्फ अलाइव, राइट? वो अपने आप को वहां पे अलाइव रखेगा, और जैसे ही आपका सीजन आता है फेवरेबल, जैसे ही आपका फेवरेबल सीजन आएगा वो टाइम पे यू विल गेट टू सी कि आपके यहाँ पे लीव्स आपके नए बनना वहां पे आपके चालू करेंगे। यू विल गेट टू सी द न्यू लीव्स विल बी फाउंड ओवर देयर, और जैसे ही आपके यहाँ पे नए लीव्स बनते हैं देन यू विल फाइंड कि आपको वापस से फोटोसिंथेसिस वहां पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द लीफ के अंदर। सो ये बात याद रखना हमेशा कि लीफ आपके ये सब चीजें यहाँ पे आपको करके देते हैं। ठीक है, नाउ लीफ के अंदर आपको कुछ पार्ट्स यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। मैं आपको पिक्चर में बता देता हूँ ये पार्ट्स क्या होते हैं। लेट मी शो यू ओवर हियर इन द पिक्चर, राइट? सो लीफ विल हैव थ्री पार्ट्स। यू विल हैव द लेमिना, एक आपका यहाँ पे होगा लेमिना यहाँ पे आपके सामने, जो आपका पूरा लीफ का सरफेस आपका एरिया बताता है। देन यू हैव द पिटियोल। पिटियोल वो आपका छोटा सा स्टॉक है जिससे आपका लीफ यहाँ पे अटैच रहेगा आपके लीफ बेस के साथ, और एंड में क्योंकि आपके यहाँ पे पास आपके पास लीफ बेस, लीफ बेस वो जगह है जहां से आपका लीफ ओरिजिनेट करता है। लीफ बेस आपकी वो जगह है जहां से आपका लीफ ओरिजिनेट करेगा। यू विल हैव अ स्मॉल पिटियोल एंड देन यू हैव अ कंप्लीट लार्ज लेमिना विल बी सीन ओवर हियर। तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सो दैट इज समथिंग यू कैन गेट टू सी ओवर हियर। सो याद रखना, ये हम देखेंगे कल की क्लास में। तीन पार्ट्स आपके यहाँ पे होते हैं। यू विल हैव अ लीफ बेस, यू हैव अ पिटियोल एंड देन यू हैव अ लेमिना। अब आपको करना कुछ नहीं है, करना आपको सिर्फ एक ही चीज है, प्लीज जाके एनसीईआरटी पढ़ो, स्टेम और रूट्स को एक बार फिर देख लो। उतना ही आपने अभी तक हमने यहाँ पे देखा है, सो प्लीज उनको जाके एक बार आप देख लो अपने एंड से, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वहाँ पे क्या देखे रखा हुआ उन लोगों ने, राइट? रिमेंबर द एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे कवर किए वो सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के ही है, तो आप एक बार फिर अपने एंड से देख लीजिए। मैं वापस बता रहा हूँ, ये चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, राइट? टेक योर 10 मिनट्स, 10 मिनट निकालो, पढ़ लो, बात खत्म करो, और वापस अपना फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चालू करो। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कोई भी ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स है नहीं, ना ही हमें इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स चीज इसके अंदर समझनी है। सो मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो, डोंट स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ टाइम, स्पेंड योर 10-12 मिनट्स, रीड द एनसीईआरटी जो मैं करा रहा हूँ उसके अंदर, एंड पूरा टाइम स्पेंड करो अपने इसके अंदर, देन जंप बैक टू योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, राइट? इस तरीके से आप अपना टाइम को मैनेज करो। इस चैप्टर को पढ़ते समय अगर आप टाइम कम दे रहे हो देन कोई दिक्कत नहीं है। आई विल शेयर द एमसीक्यू विद यू फॉर दिस चैप्टर ताकि आप उन्हें सॉल्व कर पाओ। आई विल बी डूइंग दैट विद यू, बट मेक श्योर यू फॉलो द एनसीईआरटी फर्स्ट, राइट?
तो आज हमारा यहाँ पे लीफ कंप्लीट हो गया है, वी हैव डन द सॉरी हमारा आज स्टेम कंप्लीट हो गया अलोंग विद द रूट्स, रूट्स हमने कल कर लिया था। सो अब लोग आप मुझे बताइए यहाँ पे अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है या